हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं जब हम अपने एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं और रिजल्ट आता है हमारा वेट गेन हो जाता है। फिर हम वापस आते हैं अपने ट्रैक पर एंड मैं अभी ट्रैक पर आ चुकी हूँ। अपने हनीमून पीरियड से निकल के मैं वापस ट्रैक पर आ चुकी हूँ और मैं बहुत तरीके से कोशिश कर रही हूँ मेरा जो गेन वेट है वो लूज़ कर लूँ। मैं हार्डली मेरा वेट गेन होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 kgs या 5 kgs, उससे ज़्यादा कभी गेन नहीं होता। जब मैं बहुत मैक्स टू मैक्स खा लेती हूँ, बट हाँ मैं रिड्यूस इसको कर लेती हूँ 2 weeks के अंदर, 2 से 3 हफ्तों के अंदर मेरा जो ये वापस ट्रैक पे आ जाता है। मेरा जो आइडियल वेट है वो है 59 to 60 kg के बीच में मैं इसको स्टे कराती हूँ, बट मेरा वेट कभी कभार चला जाता है जब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ, तब मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा अच्छे से खा लेती हूँ एंड फिर मेरा वेट जाता है 64.8, 65, इससे ऊपर मेरा वेट कभी जंप नहीं करता। सो अभी रिसेंट मेरा वेट चल रहा है 63.2। मैं चाहती हूँ ये मेरा वापस आ जाए 60s पे या 59 पे। सो ये ऑन ऑफ हमारा साइकिल है जो हम मेंटेन करना भी जानते हैं, गेन करना भी जानते हैं, लूज़ करना भी जानते हैं। और मैं जब भी कभी बाहर खाती हूँ सो हम ये प्रेफर करते हैं कि हम हेल्दी खाएं, घर का दाल रोटी सब्ज़ी या फिर रैप हो गए, फ्रूट्स हो गए और दाल चावल हो गया। बट पॉइंट ये आता है कि कभी कभी हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं, हम ओवर ईट कर जाते हैं। समटाइम्स हमारा दही भल्ला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, चाट पापड़ी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पाव भाजी में पाव हटा के भाजी के साथ रोटी ज़्यादा हो जाती है एंड रायते ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों से मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा गेन हो गया था। सो मैं वापस आई हूँ अपने ट्रैक पे एंड मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर वेट लॉस। एंड मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है, मैं घर पे वर्क करती हूँ। समटाइम्स मैं बाहर जाके किसी कैफे में काम करने लग जाती हूँ अगर मैं घर के पूरा बंद जगहों से बहुत बोर हो जाती हूँ। कभी कभार मेरी टीम मीटिंग होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ उनसे मॉर्निंग में संडे को ब्रेकफास्ट में मिलूँ, ताकि मेरा जो खाना का शौक भी पूरा हो जाए, मेरे संडे आउटिंग भी हो जाए और मेरी टीम मीट भी हो जाए। एंड मेरा ट्रैवल बीच में बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब मैं पिछले एक मंथ से बैक टू बैक ट्रैवल ही कर रही हूँ, इधर जाना उधर जाना, अप डाउन ऊपर नीचे। बट अभी मैं घर पर वापस सेल्फ केयर पे आ चुकी हूँ। मेरी सेल्फ केयर की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आएंगी मेरे व्लॉग वाले चैनल पे, कल आएगी पहली। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर वेट लॉस। स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। हम बना रहे हैं प्री वर्कआउट, मैं जा रही हूँ जिम, आज है मेरी बॉक्सिंग क्लास। सो उसके लिए सबसे पहले सुबह बहुत गर्मी हो रही है, मेरे पास ये है आम, हाफ मैंगो मैंने लिया है, बिल्कुल उठने का मन नहीं है। ये रहे मेरे पास थोड़े सा नारियल और ये रहा मेरे पास पानी, इसको अब मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। डाली खूब सारी आइस एंड इसमें डाल दी मेरी स्मूदी। इट्स रेडी माय प्री वर्कआउट। हाँ? इतनी गर्मी में वर्कआउट कैसे करेंगे? ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास है 1 परांठी, जॉर्ज वार के विद स्पून ऑफ घी, हियर वी हैव अ अचार मासी ने भेजा था, बीन्स, आलू शिमला मिर्ची एंड यस माय टी विदाउट शुगर। ये मैंने बनाया है शरबत फालसो का, ये मेरा ब्रदर आया था वो मुझे फालसे लेकर गया था मेरे, ये हमने बनाया फालसो का शरबत, जस्ट फालसे और पानी ब्लेंड करा है और ये रहा चिल्ड एकदम ठंडा ठंडा। ओके ओके, सो ये रहा हमारा फालसो का शरबत। नेक्स्ट ब्लॉगर फॉर लंच, लंच में हमारे लिए यहाँ पे घर में बने हुए थे छोले चावल, हम लेंगे वाइट चने। ओके, बहुत अच्छे चने बनाए हैं। हमारा लंच में हम चावल नहीं लेंगे, हम लेंगे चना 1 कटोरी और साथ में हमने कटवाई है सलाद। ये रहा हमारा लंच, हमारे छोले, हमारी सैलेड, हमारा पुदीने की चटनी। अब बना रहे हम इवनिंग टी, ये हमारे पास है माल्टा, हमारी मदर इन लॉ ने भेजा था हमारे पास। काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे माल्टे हैं हमारे पास, सो ये पील हम साइड रखेंगे
हम बना रहे हैं आइस टी। मुझे आइस टी बनाना पीना इस टाइम पे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, मैं कुछ भी गरम गरम पीने के फेवर में नहीं हूँ। ओके, हम बना रहे हैं आइस टी। यहाँ पे मेरे पास है पील, वॉश कर रहे थे मैंने, डाल दिए इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है चाय पत्ती, हमने डाल दिए इसमें। इसको अब हम बॉईल होने देंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका ऑरेंज के पील का। इट्स रेडी, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे अभी। अब तो खाया होगा मैंने उस दिन। पागल, ऐसा नहीं होता। ओके, ये जी हमारी आइस टी, इसको स्ट्रेन करके रखा था, इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से हमारे मिंट लीव्स। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे हमारा थोड़ा सा हनी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी आइस, ये जो फ्रूट्स हैं हम साथ में खाएंगे। एंड हियर इज माय इवनिंग टी। टाइम फॉर डिनर, डिनर के लिए कुछ भी गर्म खाने का मन नहीं है, सो एक ही रोल ले रही हूँ मैं डिनर में। यहाँ पर ये पनीर, प्याज, टमाटर मैंने मिक्स करके फ्रिज में लगा दिया था, बिल्कुल गर्म कुछ खाने का मन नहीं है। सो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हमारी हरी मिंट चटनी। चपाती भी हमारी पहले बना के संजना ने रख दी है, वीट की चपाती है ये, इससे भूल गई है हमारा जौ ज्वार का आटा गूंदना। एक ही रोल हम बनाएंगे, चक्के चक्के खाएंगे। ये हो गया जी हमारा डिनर। नाइट ड्रिंक, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि एक चम्मच जितना। दैट्स इट, और अब हम चले सोने। अभी पहले नशे में है, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया नींद में। ये रही हमारी नाइट ड्रिंक, पीनी नहीं। ओके, सो ये था मेरा पूरा दिन का खान पान। एंड मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आती रहूँगी, कमेंट करके बताना कि ये आपको यूज़फुल है या नहीं है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू सून। टिल द टाइम टेक केयर, बहुत सारा पानी पियो, बाहर बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखो, खूब सारे पानी पियो, एंड कूलर या एसी में थोड़े टाइम के लिए अपने आप को रखो। बाहर धूप में मत निकलो, 11 बजे से पहले निकलो या फिर शाम के 5-6 बजे के बाद निकलो। एंड अपने आप को थोड़ा सा लूज क्लोथ्स पहनो, टाइट फिटेड कपड़े मत पहनना, कॉटन पहनो और लूज पहनो, मतलब स्किन फिटेड टाइट कपड़े मत पहनना, उससे वाटर रिटेंशन का आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड धूप से बाहर जा रहे हो, मेक श्योर आप अपने आप को पूरा कवर करके एंड बहुत अच्छे से जाओ, बहुत ज़रूरी काम है तभी जाना, अदरवाइज ऐसे मत जाना। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।